सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब विच चोणां दरम्यान पहली चोण रैली की। जलंधर विच कीता जनसभा नूं संबोधन, कहा पंजाब विच गठजोड़ की सरकार आउण उत्ते हर वर्ग का करांगे विकास। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी ने पंजाब दौरे उत्ते हुशियारपुर विच कीती जनसभा, मोदी सरकार उत्ते साधे निशाने। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने लिया वड्डा फैसला। 17 फरवरी तो सारिया सिखिक संस्थावां खोलण दा कीता ऐलान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रधानगी विच हुई कैबिनेट की अहम बैठक। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब विच पहली चोण रैली की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुआं पीरां ते जरनैलां दी धरती उत्ते आउणा माण वाली गल है। उन्हें कहा कि नवा भारत तां ही बनेगा जदों नवा पंजाब बनेगा, जिस विच विरासत भी होवेगी। नवा पंजाब करज मुक्त होवेगा, सारां नूं बराबर दे काम दे मौके मिलणगे, कानून दा राज होवेगा, माफिया दा नहीं। जलंधर विच जनसभा करदे उन्होंने कहा कि अज देवी तलाब माता दे दर्शनां ते जाण दी इच्छा सी, पर पुलिस प्रशासन ने इजाजत नहीं दित्ती। इतों की सरकार की हालत यह है, पर मां के चरणों में जरूर जावगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस उत्ते परिवारवाद का दोष लगाते हुए कहा कि 1984 के दंगों के दोषियों को पार्टी में वड्डे अहुदे देकर कांग्रेस ने हमेशा तुहाडे जख्मों उत्ते लूण छिड़कण का काम किया है। इस मौके कैप्टन अमरिंदर सिंह, भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा, सुखदेव सिंह ढींडसा, हंसराज हंस और केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद रहे। मैं ये विश्वास देने के लिए आया हूं कि आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। साथियों, आज पूरा देश मिलकर नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। नया भारत तब बनेगा जब इस दशक में नवा पंजाब बनेगा। नवा पंजाब जिसमें विरासत भी होगी, विकास भी होगा। नवा पंजाब जो कर्ज से मुक्त होगा, अवसरों से युक्त होगा। नवा पंजाब जहां हर दलित भाई बहन को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हर स्तर पर उचित भागीदारी मिलेगी। नवा पंजाब जहां भ्रष्टाचार और माफियाओं के लिए जगह नहीं होगी, कानून का ही राज होगा। इसलिए पंजाब का नया नारा है, नवा पंजाब भाजपा दे नाल। सीमावर्ती राज्य है, इसकी सुरक्षा, इसकी शांति देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है। इसलिए पंजाब को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीरतापूर्वक कदम उठाए और राज्य को सुरक्षा दे। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि वो कभी पंजाब के लिए काम नहीं कर सकती, और जो काम करना भी चाहता है वो उसको आगे हजार रोड़े खड़े। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी पंजाब दौरे उत्ते हुशियारपुर विच पहुंचे, जिथे उन्होंने लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि पंजाब दी चोणां बहुत अहम ने। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहला चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया सी। राहुल गांधी ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी जी गरीब करते हैं, वो डूंघाई नाल गरीबी नूं समझते हैं। उन्होंने कहा कि वह पंजाब में रसूखदारां की सरकार नहीं चलाउणगे। मोदी सरकार उत्ते तंज कसदिआं राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी तो बाद तो देश की हालत बुरी होनी शुरू हो गई। देश में बेरोजगारी फैल गई, इंडस्ट्रियां तबाह हो गई, GST गलत ढंग नाल लागू किया गया। उन्होंने कहा कि PM रोजगार, भ्रष्टाचार और काले धन बारे कुछ भी नहीं बोल रहे। 15 लाख रुपए मैं बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। डाल दिया, मिल गया किसी को ना? कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मिल गया?
आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में काले धन की बात क्यों नहीं करते? पंजाब में उनकी मीटिंग है, आप उनका भाषण सुनिए, रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, कह नहीं सकते। नोटबंदी की, उसके बाद गलत जीएसटी लागू कर दी। यहां हमारे व्यापारी भाई हैं, जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? कोई एक व्यक्ति है जो कह सकता है हां मुझे फायदा हुआ जीएसटी का? ना, पांच अलग अलग टैक्स, फॉर्म भरते जाओ, दिन भर फॉर्म भरते जाओ, फायदा किसको? दो तीन बड़े अरबपतियों को। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी फार्म बिल लाए, काले कानून, हिंदुस्तान के सब किसान एक साथ खड़े हो गए, पंजाब के किसान सड़क पे उतरे, एक साल ठंड में कोरोना के समय पंजाब के किसान भूखे खड़े रहे। क्यों खड़े थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो किसानों का है, उनकी मेहनत दो तीन अरबपतियों को देने की कोशिश कर रहे थे, और पंजाब के किसानों ने, बाकी हिंदुस्तान के किसानों ने कहा हम नहीं होने देंगे, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। प्रियंका गांधी की रैली में बोलने तो इनकार करने वाले पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू आज हुशियारपुर में राहुल गांधी की रैली में खूब बोले। सिद्धू ने कहा कि एक बार उन्होंने विधानसभा में झोली अड्डी सी, पर अज राहुल गांधी को झोली अड्ड के एक वचन लेना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आने उत्ते किसी भी विधायक के पुत्र को चेयरमैनी नहीं दी जाएगी, सगों पुलिस के डंडे खाने वाले वर्करों को चेयरमैन बनाया जाएगा। क्या अगर हमारी सरकार आई राहुल गांधी जी और मैं प्रधान रहा तो मुझे एक वचन दे दीजिए कि किसी एमएलए के बेटे को आप चेयरमैनी नहीं देंगे? ये 4,500 चेयरमैनियां कांग्रेस के वर्कर को जाएंगी, कांग्रेस के वर्कर को। और जिस दिन ये हो गया, कांग्रेस के झंडे में डंडा लग जाएगा, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। जो वर्कर 10 साल लाठियां खाता रहा, जो वर्कर, मैं एक्स हो जाऊंगा और भी कोई एक्स हो जाएगा, जो वर्कर सदा के लिए है, आदि अनंत, कभी एक्स नहीं होने वाला, उस वर्कर को आप इज्जत और सम्मान दे दोगे तो सिद्धू की पगड़ी का रंग और गाढ़ा हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ते कांग्रेस वालों सूबे के मुख्यमंत्री अहुदे के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने सूबे की तरक्की ते खुशहाली लई पार्टी की सरकार के झंडे का खुलासा करदिया मुफत सिक्ख्या, सेहत, रोजी रोटी ते पक्की छत नूं सब तो अहम दस्सिया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल ते पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे ते संसद मैंबर भगवंत मान वालों किए जा रहे प्रचार नूं लैके भी निशाने साधे। मेरे पिता ने मेहनत करके साडे परिवार नूं पढ़ाया, जे पढ़ाई ना हुंदी तां गरीबी दे विच होर चारा नहीं सी निकलण दा ते ना ही अज मैं इत्थे बैठा हुंदा। इसलिए असीं फैसला कीता है कि सरकार दी जिम्मेवारी है कि हर परिवार नूं पढ़ाई दवे ताकि वह परिवार अगे निकल सके। इसलिए सरकारी स्कूलां, सरकारी कॉलेजां, सरकारी यूनिवर्सिटियां दे विच ऐसी पढ़ाई फ्री करा, इस दे नाल नाल प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में भी बच्चे पढ़ते हैं। ऐसी स्कॉलरशिप दोबारे तो असी चलाया, 3 साल अकाली दल ते बीजेपी की सरकार ने बंद रखे, 4 साल इसनू तगड़ा करना है, होर स्ट्रेंथन करना है, ते नाल नाल स्कॉलरशिप स्कीम लेके आवांगे जिहड़ी एसी बीसी दे नाल नाल जिहड़े जनरल कैटागरी दे मिडल क्लास गरीब फैमिलियां दे बच्चे है उन्हां नूं भी असी एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करांगे, स्कॉलरशिप स्कीम चलावांगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस, अकाली दल ते भाजपा उत्ते आपस में मिले होने के दोष लगाए ने।
केजरीवाल ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करदे कहा कि आम आदमी पार्टी नूं हराउण लई सारियां रवायती पार्टियां इकट्ठियां हो गई ने। सब मिल के उन्हां नूं अते मुख्यमंत्री अहुदे दे उम्मीदवार भगवंत मान नूं गालां कढ रहे ने अते उन्हां विरुद्ध साजिशां कर रहे ने। उन्हें कहा कि सारे मिल के किसी भी तरह पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनन तों रोकना चाहुंदे ने। असल विच इह लोक आम आदमी पार्टी नूं हराउण लई नहीं सगों पंजाब नूं हराउण लई इकट्ठे होए ने। आप सब लोग देख रहे होंगे ये सारी पार्टियां, इनके सारे आगू केवल और केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं। कल अमित शाह जी आए, अमित शाह जी ने केवल आम आदमी पार्टी और मेरे को गालियां दी। चन्नी साहब सुबह उठते हैं और शाम को सोने तक केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां देते हैं। बादल, सुखबीर बादल का नाम भी नहीं लेते। सुखबीर बादल साहब केवल और मेरे को और भगवंत मान को गालियां देते हैं, वो चन्नी साहब का कभी नाम ले लेते हैं। प्रियंका गांधी आई, केवल मेरे को गालियां दे रही थी। ऐसे लगता है जैसे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होके एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही इनकी शब्दावली है सबकी। ये सारे ऐसे लगता है इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होके ये हम लोगों को गालियां दे रहे हैं। हमारा कसूर क्या है? हमने अपना, हम पंजाब में जगह जगह जा रहे हैं, कोने कोने में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं, उसमें हम यही तो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे किए, हमें वोट दो, हम यहाँ भी स्कूल अच्छे करेंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने अस्पताल अच्छे किए, यहाँ भी अस्पताल अच्छे करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देंगे। बेअदबी करने वालों के खिलाफ सजा करेंगे, बेअदबी का न्याय दिलाएंगे, बिजली ठीक करेंगे, सड़क ठीक करेंगे। यही तो कह रहे हैं हम लोग, एक ईमानदार सरकार देंगे। ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, ये आम आदमी पार्टी को नहीं, ये पंजाब को हराना चाहती हैं। ये पार्टियां नहीं चाहती कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। ये पार्टियां चाहती हैं कि जिस तरह से ये 70 साल से पंजाब को लूट रहे थे ये पार्टियां, ऐसे ही ये लूटते रहें। इनकी लूट बंद नहीं होनी चाहिए। इनको डर है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो इनकी परमानेंटली लूट खत्म हो जाएगी, फिर इनको लूटने के मौके नहीं मिलेंगे। ये पंजाब को हराना चाहते हैं ये सारी पार्टियां। मेरी पंजाब के लोगों से अपील है कि इस बार सबने इकट्ठे होकर इन सारी पार्टियों को हराना है। पंजाब विधानसभा चोणों नू कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जिहे विच बहुत सारे कलाकार, अदाकार अते सियासी लीडर लगातार दल बदलियां कर रहे हैं। हुण इन्हां विच एक होर नाम शामिल हो गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की अगवाई विच पंजाब महिला कमिशन की चेयरपर्सन निशा गुलाटी ने भाजपा का पल्ला फड़ लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के महू नीमच फोरलेन उत्ते एक दर्दनाक हादसा वापरे। इस हादसे में नवें ब्याहे जोड़े समेत एक ही परिवार के चार जीआं की मौत हो गई, जदों कि एक औरत बहुत गंभीर रूप में जख्मी हो गई। हादसे का शिकार परिवार धार तो जयपुर जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी तो सारिया सिखक संस्थावां खोलण का फैसला किया गया। फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रधानगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। प्रदेश में कोरोना वायरस मामले घट होने से सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। सूबे में 17 फरवरी तो 1 से 8 जमात तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा जिम और सिनेमा हॉल खोलने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हर तरह के लंगरों की आग्ञा प्रदान करने का भी फैसला किया गया। कैबिनेट ने इस दे नाल ही तुरंत देखभाल की जरूरत वाले मरीजों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट सेवा प्रदान करने राष्ट्रीय एंबूलेंस सेवा 108 तहत 50 वाधू एंबूलेंसा खरीदने और संचालन को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार ने 54 चीनी ऐप्स उत्ते पाबंदी लगा दी गई है। इन्हां चीनी ऐप्स नूं भारत की निजता ते सुरक्षा लई खतरा दस्सिया गया सी। दरअसल गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा लई खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन उत्ते पाबंदी लगाउण दी सिफारिश की सी। अधिकारक सूत्र ने जानकारी दी है। इलैक्ट्रॉनिक अते सूचना तकनोलॉजी मंत्रालय ने भारत में इन्हां ऐप्स के संचालन उत्ते पाबंदी लगाउण लई नोटिफिकेशन भी जारी की है। जानकारी मुताबिक जिन्हां ऐप्स उत्ते पाबंदी लगाई गई है उन्हां विच स्वीट सैल्फी, HD ब्यूटी कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक प्लस, वॉल्यूम बूस्टर, वीडियो प्लेयर, मीडिया ऑल फॉरमैट्स, वीवा वीडियो एडिटर, नाइस वीडियो और होर एप्लीकेशन शामिल ने। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में वोट देने लोगों का आभार जताया। TMC, चारे नगर निगम, विधान नगर, सिलीगुड़ी,
चंद्रनगर और आसनसोल में जित दर्ज कर चुकी है। राज चोण कमिशन की वैबसाइट उत्ते उपलब्ध अंकड़ों तो यह जानकारी मिली है। TMC ने 41 विचों 39 सीटों उत्ते जित दर्ज करते हुए विधाननगर नगर निगम उत्ते मुड़ कब्जा किया है, जदों की विरोधी दल भाजपा और मार्क्सवादी पार्टी इतने अपना खाता तक नहीं खोल सकी। कांग्रेस ने एक सीट उत्ते जित दर्ज की है, आजाद उम्मीदवार एक वार्ड में जितया है। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के मंसार में फोर लेन का काम करने कारण अज सवेरे 9:30 बजे जमीन खिसकन कारण कालका शिमला नैशनल हाईवे करीब एक घंटे लिए बंद रहा, जिस कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। आम लोगों समेत बड़ी गिनती में सैलानी वाहनों समेत हाईवे उत्ते फंसे रहे। हाईवे उत्ते शिमला ते कालका वालों दोहां पासे वाहनों दी लंबी लाइन लग गई। दसिया जा रहा है कि जमीन खिसकन की घटना में एक व्यक्ति जख्मी होया। मनुखता नूं वातावरण की सांभ संभाल का सुनेहा देने वाले सिख धर्म के सातवें गुरु श्री गुरु हर राय जी के प्रकाश गुरपुरब मौके हेमकुंट फाउंडेशन और सचखंड फाउंडेशन वालों दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल गुरद्वारा बंगला साहब में रुख लंगर लगाया गया। इस मौके गुरद्वारा बंगला साहब में मत्था टेकन पहुंचियां संगतां नूं तकरीबन 5,000 तों वध बूटे लंगर वजों मुफ्त दिए गए, तां जो गुरु साहब वालों दिए संदेश नूं समाज में प्रचारित किया जा सके। इस मौके दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के आगू आत्मा सिंह लुबाणा गुरुद्वारा बंगला साहब के हेड ग्रंथी ज्ञानी रणजीत सिंह ने भी शमूलियत की। हक परवर हक केश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब महाराज जी दे पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब दियां संगतां नूं लख लख वधाइयां। जिथे अज शाम नूं 5 बजे तो लैके रात 10 बजे तक विशेष समागम होणगे, उत्थे दिल्ली से गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हेमकुंड फाउंडेशन सचखंड फाउंडेशन के नाल मिलके रुख प्रसाद पौद्या का प्रसाद वंडिया जा रहा है। दिल्ली से गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के वाइस प्रधान सरदार आत्मा सिंह जी उन्हां दे नाल होर बहुत सारे मैंबर साहबान इत्थे हाजिर होए ने और उन्होंने ये सेवा नाल आरंभ करवाई है। और सब तो पहला अरदास की गई सच्चे पातशाह महाराज सारिआं नूं गुरपुरब दीआं खुशियां देण और इन्हां पौद्यां दे राहीं असी वातावरण की सेवा कर सकीए, संभाल कर सकीए, क्योंकि प्रशादे पाणी तो भी पहला मनुख दे जीवंदे रहण वास्ते उहनूं ऑक्सीजन की हवा की लोड़ है। तो ये रब का बनाया होया एयर प्यूरीफाई का जिहड़ा सिस्टम है, दुनिया के सारे जिहड़े सिस्टम ने एयर प्यूरीफाई वो सारे डुप्लीकेट ने, ओरिजिनल यही है कि असी वध तो वध पौधे लगाइए, रुख लाइए और संसार जिहड़ा है वो सलामत रहे। गुरु हर राय पिता महाराज ने सानू जिथे मनुखता का प्यार सिखाया उत्थे कुदरत नाल कायनात नाल प्रकिरति नाल प्यार करना गुरु जी का सुनेहा सी। अज उस सुनेहे नूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अगे संगत विच पहुँचाउण दा यतन कर रही है। देखो जी, साढ़े गुरुआ ने पहले ही यह संदेश दे दिता सीगा कि इंसान नू ऑक्सीजन की लौड़ हैगी है और ऑक्सीजन बना रखने वास्ते और प्रकृति के वातावरण नू ठीक बनाने वास्ते उन्होंने पौधे लाने वास्ते और प्रकृति नू साफ रखने वास्ते वातावरण शुद्ध करने वास्ते श्री हर राय साहब जी ने यह जड़ा देन दिती हैगी है, बहुत वधिया हैगी है। अज समूखा पूरा वर्ल्ड इसनों मनदा हैगा कि ऑक्सीजन दे बगैर वातावरण शुद्ध वातावरण दे बगैर असी लोग ठीक मतलब नहीं रह सकते। तो यह बहुत ही साडे गुरुआं ने बहुत अच्छा काम करके गए ने। अज असी उसनों हेमकुंड सोसायटी वालों सचखंड सोसायटी वालों जिहड़े पौधे ने असी दे रहे हैं संगतां नूं और उम्मीद करांगे कि इस तरह यह दिल्ली विच ऑक्सीजन नूं और वातावरण नूं साफ रखण वास्ते इहदा प्रयोग सही करनगे और वध तो वध पौधे लाएंगे जी। अज के हालातों नूं देखते हुए साडे गुरु साहबां ने बहुत समा पहले ही अपनी दूरंदेशी उन्हां नूं पता सी कि आने वाला वक्त जिहड़ा हैगा कलयुग का समा होएगा कि सानूं किन्ने टाइम तक हुण दिल्ली दे अंदर दिल्ली एक तरीके नाल गैस का चैंबर बन जाती है। खासकर दिल्ली दे विच देखो बच्चे ने छोटे छोटे स्कूल बच्चे होंदे ने स्कूल बंद हो जाते हैं, सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है और सरकारां एक दूसरे के उपर आरोप लगांदियां ने, राजनीति करदियां ने।
दिल्ली कमेटी की पहल हैगी, गुरु साहब ने बहुत समय पहले ही वातावरण साफ रखने वास्ते पहल की हुई सी। दिल्ली कमेटी की पहल है, पहले भी होंदा रहा और अगे अगे भी जदों भी दिल्ली कमेटी को जरूरत महसूस होएगी कितने भी वातावरण को साफ करके लैके किसी भी तरीके लैके दिल्ली कमेटी अपने संगतों के सहयोग के नाल काम पूरा करती रहेगी। साडे गुरुओं का इतिहास रहा, गुरु हर राय साहब जी का इतिहास रहा, जिहड़ा सब तो वड्डा जिन्हां दे जीवन तो सानू ये शिक्षा मिलती है कि वातावरण नू कितनी अहमियत दी गई है साडी गुरबाणी दे विच वी, उसनू मुख रखदे होए श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थी ने एक अपनी सचखंड फाउंडेशन शुरू की, जिस वालों इन्ना वधिया उपराला किया जा रहा है और ये वधाई दे योग ने कि जिहड़े कि गुरु साहब का इतिहास सुरजीत कर रहे हैं, नाल दे नाल नौजवानों नू प्रेरित कर रहे हैं कि वह भी इस तरह के जिहड़े इनीशिएटिव है उह लैण। सो असीं इन्हां नू वधाई दिंदे हां। यह अज की लोड़ है, अज करोना वर्गी महामारी आई क्योंकि कितना कितने लोग जिहड़े नेचर नू इन्ना सीरीयसली नहीं लै रहे सीगे, कुदरत नाल खिलवाड़ कर रहे सी, पर इन्हां नौजवानों ने जिहड़ी पहल की है वाकई शलाघा योग है। तो अज की जिहड़ी जरूरत नू समझिया, लंगर तो हर कोई लगांदा लेकिन जिहड़ा रुख का लंगर ये जिहड़ा स्पैसीफिकली रुखां नू इन्नी अहमियत अपनी सोसायटी नू एक मैसेज देने की कोशिश की है, मैं इन्हां नौजवानों की तारीफ करदा और इन्हां नू बधाई दिंदा। विधानसभा हलका पटियाला तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार हरपाल जुनेजा ने चोण कमिशन एक हलफनामा दिता जिस विच उन्होंने अपने उत्ते हुए मुकदमों का वेरवा साझा किया है जिसकी कार्रवाई चल रही है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इन्ना ही, जाते जाते नज़र मारदे मौसम के हाल उत्ते, बने रहो चढ़ते कला टाइम टीवी के नाल, धन्यवाद।